नमस्ते इंडिया। अभी मैं जा रहा हूँ तोको लांगसो वाटरफॉल, जो कि असम के कार्बी अंगलोंग जिले में स्थित है। अभी मैं उस पहाड़ी के पीछे है तोको लांगसो वाटरफॉल, तो अभी फ़िलहाल मैं 3-4 किलोमीटर दूर उस वाटरफॉल से। आप जर्नी देखिए मेरी तब तक, और वीडियो को एंजॉय करें लास्ट तक। चलिए, तो आखिरकार हम पहुंच ही गए तोको लांगसो वाटरफॉल के एंट्री गेट पर। ये हमारे भैया राजू भैया टिकटिंग करते हुए, टिकट लेते हुए। एंड यू कैन रीच आइदर बाय 6-व्हीलर। द प्राइसिंग यू कैन सी, एंट्री फी यू कैन सी। सो दिस इज लोकेटेड इन बाली पथार एंड इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन कार्बी अंगलोंग। Can you tell me a little bit about this place? Yeah, here we are the Langsung committee. A person 10 rupees, bike 30 rupees. Bike 30 rupees. Okay. Okay, thank you so much. Just look at this place, guys. 98% forest cover. 98%. Just wow. After a ride of almost 22 kilometers ki ride ke baad, we are about to reach the destination. But see this forest cover, that's one of the fascinating features of Karbi Anglong. Karbi Anglong ek aisa jila hai jahan pe forest cover is, meri purani videos mein bhi aapne suna hoga, is around 80%, right? Aur is jagah ko aap dekhiye, it's not main touched yet, isliye ye काफ़ी स्वच्छ और यहाँ के लोग काफ़ी ही कटे कटे से हैं बाहर के लोगों के से, और इस वजह से ही ये जगह ज़्यादा सुंदर है एज़ कम्पेयर टू वन अदर वाटरफॉल विच इज़ लोकेटेड इन कार्बी अंगलोंग इटसेल्फ। आई बिलीव दिस इज़ द बेटर वन बिकॉज इट्स नॉट मेन टच्ड येट। स्टेप बाय स्टेप हम क्लोज़र पहुँच रहे झरने के, काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, और शायद विद इन 5 मिनट्स और 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस हम झरने के पास होंगे। मिलते हैं झरने के पास। और जस्ट सी दिस प्लेस गाइस, ऑसम ऑसम, कंप्लीटली ऑसम एंड ऑसम असम, एक्चुअली ऑसम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। डू विजिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अगर आप यहाँ पे आए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स रिटेन बाई द तोको लांगसो लांगसुंगपी वाटरफॉल मैनेजमेंट कमिटी, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि यू शुड नॉट कट एनी बम्बू। जितने भी ये पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दिख रहे हैं, इनकी कटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है फॉर कुकिंग। देन यू कांट थ्रो प्लास्टिक वेस्टेज, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है, एंड प्लास्टिक वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अल्कोहल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड डोंट ब्रेक एनी बॉटल्स। सो अगर बाहर से भी आप गलती से भी अगर आप बियर लेके आ भी जाते हैं या एनी काइंड ऑफ अदर ड्रिंकिंग मटेरियल, देन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप उनके बोतल को यहाँ वहाँ फेंकें ना, और इस सुंदर जगह को, स्वच्छ जगह को सुंदर बनाने में मदद करें। चलते चलते आखिरकार हम वो डेस्टिनेशन दिख रहा है आपको पीछे, और वो झरना दिख रहा है जिसका अभी मेरे हिसाब से विड्थ काफ़ी कम है, बिकॉज वाटरफॉल इस बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, खासतौर पर कार्बी अंगलोंग जिले में, असम के जिले में काफ़ी कम हुआ है मुकाबले पिछले सालों के, सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस। सो फिलहाल चलते हैं झरने के और करीब और आपको दिखाते हैं वहाँ से व्यू। ये हमारे राजू भैया जो मुझसे लगभग 10 साल बड़े हैं, बट इनमें आप जोश देखिए झरने तक पहुँचने की जल्दी। दोस्तों यहाँ कोई नहीं है, आप
इस जगह की पोटेंशियल को समझिए सबसे पहले, और कैसे इसको हम एज ए टूरिज्म स्पॉट डेवलप कर सकते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर से दूर है, बट मैं आज आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ ने लोगों ने बहुत सारी गलत फहमियाँ मिसकंसेप्शंस फैलाए हुए हैं कि इट्स नॉट ए सेफ प्लेस एंड ऑल, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप कभी भी आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। रणविजय भैया, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर हर आदमी को आकर एक बार यहाँ का लुत्फ उठाना चाहिए। और खास तौर पे यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत 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 बढ़िया यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता है, एक बार यहाँ पर आकर हर आदमी को यहाँ एंजॉय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हम आखिरकार इस झरने के, आई डोंट थिंक सो ये टॉप है, बट हाँ एक पॉइंट पे आ गए जहाँ से आई गेस चढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ पथरीली रॉक। यहाँ की पहाड़ियों पे जो पत्थर हैं बड़े बड़े, और खासतौर पे यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बट व्यू बहुत असम है फ्रेंड्स। झरने का नहीं, आई वोंट से दैट झरना इज लाइक द वन ऑफ द बिगेस्ट झरनास, बट या हाँ ब्यूटीफुल काफ़ी है, और यहाँ के आसपास के लोकेशंस अगर आप देखोगे दैट इज ऑसम, कम्प्लीटली ऑसम। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम इंसान हैं, बट इंसान वी आर सोशल एनिमल, राइट? देखिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि इस जगह, इस सुंदर जगह जहाँ पे आप सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं, क्या ये जगह ऐसे लोगों को डिजर्व करता है? सीरियसली, दिस प्लेस डजंट डिजर्व पीपल लाइक अस, टू बी फेयर। क्योंकि कभी ना कभी मैंने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गया होऊंगा, ज़रूर गंदगी ऐसे फैलाई होगी, बट मैंने बिल्कुल अब बंद कर दिया है ऐसा करना। स्टिल एंड दिस आर फ्रेश ओनली आई गेस, बिकॉज ये सब आप देख रहे जो ईटिंग मटेरियल्स हैं इसमें, आई बिलीव ये पिछले एक दो दिन के अंदर ही किया गया है किसी के द्वारा। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी हम किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाए, पिकनिक स्पॉट्स पर जाए, ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर यू कैन रियली एन्जॉय विद योर फैमिली एंड रियली एन्जॉय द नेचुरल इन्वायरमेंट, तो आप ऐसी जगह पर प्लीज़ ऐसा काम ना करें, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको हक नहीं बनता कि आप मदर नेचर के साथ ऐसा मजाक करें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और स्वच्छता बनाए रखें। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप इस जगह पर आएँ तो जंगली मकड़ियों से सावधान रहें, और इसके लिए यहाँ पे ये दृश्य बनाया गया है कि अगर आप इस जगह पे आए, ये जगह देख रहे हो आप, वाह, तो इनसे ज़रूर सावधान रहें। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आपने ये जाना होगा कि ऐसी कितनी प्रमुख जगह है हमारे असम के कार्बी आंग्लोंग जिले में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था लांगवोकू के ऊपर, उसे भी ज़रूर देखें आप, और ये जानें कि इस जगह में इतना पोटेंशियल है टूरिज़्म को लेके, ये जगह एक अलग लेवल तक एलिवेट हो सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ के गवर्नमेंट ने इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया, आपने यहाँ की गंदगी देखी, रोड्स देखे ही, तो इस पर मैं यही चाहता हूँ कि ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में गलत फहमियों पर ना ध्यान दें, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे खूबसूरत एरिया है। मैं यहाँ रहता हूँ और मैं इसके बारे में जानता हूँ, और बिल्कुल सेफ है, तो ज़रूर आए नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।